आप देख रहे हैं KSN 24 न्यूज़, पल पल की खबर। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले के भाटापारा ग्रामीण थाना प्रभारी राम अवतार ध्रुव पर लगा एक 28 वर्षीय युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक शोषण करने का आरोप। जी हां, पूरा मामला छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले का है, जहां बलौदा बाजार जिले की रहने वाली 28 वर्षीय युवती ने भाटापारा ग्रामीण थाना प्रभारी राम अवतार ध्रुव के ऊपर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की लिखित शिकायत SP से लेकर रायपुर IG तक की गई, परंतु इस मामले में अब तक किसी प्रकार का भी कार्यवाही नहीं हुआ, जिसके चलते इंसाफ के लिए दर दर भटकने को मजबूर है पीड़ित युवती। साथ ही साथ थाना प्रभारी पर पीड़ित युवती ने और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिस मामले में अब तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई है। अब बड़ा सवाल यहां पर पुलिस प्रशासन के ऊपर उठता है कि आखिरकार पीड़ित महिला के लिखित शिकायत के बावजूद भी पुलिस प्रशासन इस मामले में कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है। क्या पुलिस प्रशासन अपने प्रशासनिक अधिकारी थाना प्रभारी राम अवतार ध्रुव को बचाने में लगे हुए हैं, जिसके चलते लिखित शिकायत के बावजूद भी मामले को चलता कर दिए हैं। सवाल तो बहुत है मगर जवाब एक भी नहीं। ये जो आप मामला बता रही हैं, इसमें कभी आपकी बयान भी लिए क्या पुलिस वाले? जी, एडिशनल SP का रीडर है ना सर, ध्रुव सर, वही मेरा बयान लिए हैं सर। तो कौन बोला था कि ध्रुव, मतलब ध्रुव को आपके बयान लेने के लिए? एडिशनल SP निवेदिता पाल मैडम, उनके पास गई थी आप? जी, उनके पास आवेदन दी हूँ, तो फिर वही मुझे बुलाए रीडर फोन करके। तो आपको असहज नहीं लगा क्या पुरुष के सामने आप ऐसा बयान दी है? मुझे जानकारी नहीं थी, पहली बार ये सब मामले में हुआ है, तो अब बुलाए हैं बयान के लिए करके मैं गई हूँ। तो पुरुष मतलब आपका बयान लिया है? जी जी। ब्यूरो रिपोर्ट KSN 24 न्यूज़।